प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए मस्टर्ड गैस, बी हाइड्रोजन साइनाइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है मस्टर्ड गैस। जल में विलेय है ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल, बी क्लोरोफॉर्म, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका उत्तर है इथाइल अल्कोहल। शराब में उपस्थित रहता है ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और डी क्लोरोफॉर्म। इसका उत्तर है इथाइल अल्कोहल। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा ऑप्शन ए द्विगुना, बी तिहाई और सी आधा और डी चौथाई। इसका उत्तर है तिहाई। एक गैस का भाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार होगा ऑप्शन ए 14, बी 21, सी 28 और डी 42। इसका उत्तर है 28। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है ऑप्शन ए दुगुना, बी आधा, सी तिगुना और डी चार गुना। इसका उत्तर है दुगुना। गैस के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया ऑप्शन ए संभव हो, बी संभव ना हो, सी धीमी हो और डी तेज हो। इसका उत्तर है संभव ना हो। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया ऑप्शन ए बॉयल, बी ग्राहम, सी चार्ल्स और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ग्राम। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना ऑप्शन ए अभिक्रिया की ऊष्मा, बी अभिक्रिया का उत्पादन और सी सक्रियण ऊर्जा और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सक्रियण ऊर्जा। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए झाग वाला, बी पाउडर वाला, सी सोडा वाला आम और डी ए सभी। इसका उत्तर है झाग वाला।